हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप सबको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी बिहार यूजीसी नेट सबके लिए क्लास है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसके लिए संकेत शक्ति से बोलना हमेशा मिटाई के तहत खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है? अल्थ्यूजर, फूको, एंथनी गिडिंग्स, जैक्स डेरिडा। राइट आंसर बताइए। किसके लिए संकेत शक्ति से बोलना हमेशा मिटाई के तहत खड़ा होना, जैसा कि आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, जैक्स डेरिडा। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। जैक्स डेरिडा अल्जीरिया मूल के फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और इन्हें डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी देने के रूप में जाना जाता है और इन्होंने अपने जीवन में 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है जो निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। समाजशास्त्र और नारीवादी के बीच अंतर, कब्जे का नारीकरण, लैंगिकता, महिलाओं के जीवंत अनुभव और प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। राइट आंसर क्या होगा? नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। महिलाओं के जीवंत अनुभव और प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभूतपूर्व समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? हैबरमास, सोट, एचआर बेगनर, कार्ल मैनहीम। राइट आंसर बताइए। किसे अभूतपूर्व समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अल्फ्रेड सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं? फ्रेडरिक बार्थ, क्लिफोर्ड गिट, मैक्स वेबर, एम जी स्मिथ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, क्लिफोर्ड गिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। गोडार्ड, बेकेरिया, कोहेन, हार्वर्ड, बेकर। 3-1-4-2, 4-2-1-3, 2-4-3-1, 1-3-2-4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सबको पता ही होगा कि कोहेन ने उप संस्कृति सिद्धांत दिया है और हार्वर्ड बेकर ने लेबलिंग थियरी दी है। तो तीन का एक ऑप्शन सेकंड में ही मिल रहा है, एक ही ऑप्शन से हो गया, और हार्वर्ड बेकर का ऑप्शन थर्ड। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। और गोडार्ड का है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और बेकेरिया का है
क्लासिकल सिद्धांत। तो एक दो अगर आपको आता रहेगा तो कभी कभी एक दो से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। गोडार्ड, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बेकेरिया, क्लासिकल सिद्धांत, कोहेन, उप संस्कृति सिद्धांत, हार्वर्ड बेकर, लेबलिंग थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? गुणात्मक ग्रिड, संयुक्त परामर्श, सह निर्धारण, स्व प्रबंधन। राइट आंसर बताइए। भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संयुक्त परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति का संस्थान, वाणिज्यिक संबंधों का कैश नेक्सस, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का क्या कारण है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीन स्तरीय विभाजन, मालिक, किसान और मजदूर के बाद भारत की कृषि आबादी का चौथा विभाजन सुझाया था? डीएन थनागरी, कैथलीन गफ, ए आर देसाई, डेनियल थॉर्न। राइट आंसर बताइए। डेनियल थॉर्न ने तीन स्तर बताए थे, मालिक, किसान, मजदूर, लेकिन उसके बाद चौथा विभाजन किसने बताया था, चौथा स्तर किसने बताया था? इन तीनों के अलावा एक स्तर और किसने बताया? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए आर देसाई। ए आर देसाई ने चौथी श्रेणी जो बताई थी वो गैर कृषकों की बताई थी, मालिक, किसान, मजदूर के अलावा इन्होंने चौथी श्रेणी गैर कृषकों की बताई थी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण बताता है कि प्रत्येक की जांच करनी चाहिए, लिंग विभाजन, लिंग जांच, लिंग प्रदर्शन, उपर्युक्त सभी। लिंग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण बताता है कि प्रत्येक की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स के सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करना, इसे निम्नानुसार लेबल किया गया है, नव मार्क्सवादियों द्वारा, पोस्ट मार्क्सवादियों द्वारा, प्री मार्क्सवादियों द्वारा, मार्क्स के सिद्धांत का एक आलोचक। राइट आंसर बताइए। संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स की सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की गई, इसे क्या कहा गया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, नव मार्क्सवादियों द्वारा संशोधन किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी विधि किसके द्वारा विकसित की गई? बोगार्ट, गयुड और हयात, लेकर, गटमैन। सामाजिक दूरी विधि, सामाजिक दूरी विधि जो है एमोरी एस बोगार्ड्स के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के अध्ययन की अक्सर समाजशास्त्रियों ने इसलिए आलोचना की है कि गरीबी के बारे में सीमित विचार रखना, गरीबी रेखा संदर्भ में से परिभाषित करना, परिवार में असमान साझेदारी को मान्यता नहीं देना, उपर्युक्त सभी।
राइट आंसर क्या होगा? गरीबी के अध्ययन की अक्सर समाज शास्त्रियों ने आलोचना की है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वैचारिक अर्थसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व का भाग स्थित में भी है? अल्थ्यूजर, गिडिंग्स, मार्क्स, हैबरमास। राइट आंसर बताइए। वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व के भाग में भी स्थित है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अल्थ्यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि ईश्वर ने समाज बनाया। समाज बल का परिणाम है। समाज का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। समाज धीरे धीरे और लगातार बढ़ता गया। राइट आंसर बताइए। समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें ईश्वर ने समाज बनाया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। ये सिद्धांत बताता है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया। राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया था और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या एजेंट था। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। पी कार्लेन, पी वाल्टन और जे यंग, डी क्लार्क, क्लोवाड और रोलिन। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 1। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है पी कार्लेन। इनका है महिला कारावास सामाजिक नियंत्रण में एक अध्ययन, और पी वाल्टन और जे यंग का है द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड, डी क्लार्क का है मृत्यु का समाजशास्त्र सिद्धांत संस्कृत और व्यवहार, क्लोवाड और रोहलिन का है विलंब और अवसर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। ये चारों ही मैच हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। पी कार्लेन महिला कारावास, पी वाल्टन और जे यंग द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड, डी क्लार्क मृत्यु का समाजशास्त्र, क्लोवाड और रोलिन विलंब और अवसर। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? ए आर देसाई, जी एस घुरिए, आर बेंडिक्स, एस सी दुबे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। किसने नौकरशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, आर बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, धर्मनिरपेक्षता विभाजन को बढ़ावा देती है जो धार्मिक मतभेदों से उभरती है और तेजी से विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपर दिए गए कथन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तत्व नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का एकीकरण जो विभिन्न उप समूहों को इंटरलिंक और इंटरपेनेट्रेट कर सकता है, पूर्वग्रह और पारलौकिकता के लिए गैर स्वीकृत, अन्योन्याश्रित रूप से अन्योन्याश्रय और सहयोग का लाभ, समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से के रूप में प्राइमर्डियल वफादारी। राइट आंसर बताइए। कौन एक कथन धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से के रूप में प्राइमर्डियल वफादारी, ऑप्शन 4 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, जब एक महान परंपरा आधुनिकीकरण आधुनिक भारत में जात जाति वर्ग और सत्ता 1 2 3 4 चार 3 2 1 2 1 3 4 3 2 4 1 राइट आंसर क्या होगा। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये है योगेंद्र सिंह का। जब एक महान परंपरा आधुनिकीकरण, ये है मिल्टन सिंगर का। और आधुनिक भारत में जाति, ये है एम एन श्रीनिवास का। जाति वर्ग और सत्ता, ये है आंद्रे बेती का। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण की और तर्कसंगत से रैखिक विकासवादी रूप में दर्शाया गया है। एम एन श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण और तर्कसंगत से रैखिक विकासवादी रूप में दर्शाया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था और कारण दिए गए हैं। शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके तहत शुरू किया गया था। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 16। राइट आंसर बताइए। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके तहत शुरू किया गया था। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 21 ए। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं की गहन जांच या एक प्रक्रिया या एक घटना जो व्यापक समाज के साथ अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है, जो को इस रूप में कहा जाता है। सामग्री का अध्ययन, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, मामले का अध्ययन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सामग्री विश्लेषण। घटनाओं की गहन जांच एक प्रक्रिया, एक घटना जो व्यापक समाज के साथ अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है। सामग्री विश्लेषण ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में एक नैतिक विचार नहीं है। डाटा एकत्र करते समय विषयों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाना, विषयों की गोपनीयता और गोपनीयता की रक्षा करना, जानकारी एकत्र करने में विषय की सहमति प्राप्त करना, धोखे के माध्यम से डेटा प्राप्त करना। राइट आंसर बताइए।
कौन एक नैतिक विचार नहीं है अनुसंधान के संबंध में, तो धोखे के द्वारा प्राप्त किया गया डेटा जो होता है वो नैतिक नहीं है, अनैतिक होता है। ऑप्शन इसमें वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला एक कॉलेज में पढ़ाती है, एक किटी पार्टी का आयोजन करती है, अपनी बेटी की देखभाल करती है और महिला संगठन की एक बैठक की अध्यक्षता करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका सेट, कई भूमिकाएं, भूमिका बनाना। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर कमला एक व्यक्ति है और इसके जो है मल्टीपल रोल की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर कई भूमिकाएं होगा, मल्टीपल रोल होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। आप लोग एग्जाम में एक बार इंग्लिश वर्ड को भी ज़रूर देख लिया करिए, तो हो सकता है जो क्वेश्चन गलत होने वाला हो वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव कहलाता है। सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक अभाव, सांस्कृतिक कटुता, सांस्कृतिक बहुलता। तो यहाँ पर सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव पूछा गया है, तो सांस्कृतिक अभाव होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्थ रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, हैबरमास। वर्थ रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? मैक्स वेबर का कहना है कि सभी तर्क संगत मानवीय कार्यों में मूल्य एक अंतर्निहित तत्व है, क्योंकि तर्क संगत कार्रवाई हमेशा एजेंट द्वारा किए गए मूल्य की पसंद का अर्थ होती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य और साधन दोनों ही मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है। वर्ट रेशनर की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? 2030, 2032, 2025, 2024। राइट आंसर क्या होगा? 2017 में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से अधिक किस वर्ष में हो जाएगी? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, 2024 तक। 2017 की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 7 वर्षों में अर्थात 2024 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रेंटियर और सट्टेबाज शब्द का इस्तेमाल किया? वेबलिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, टाइनवी। राइट आंसर बताइए। रेंटियर्स और सट्टेबाज शब्द का प्रयोग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, विल्फ्रेड पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? अलेक्जेंडर, डेरिडा, जेम्सन लियोटार्ड। किसे आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जेफ्री अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव प्रकृति का प्रसिद्ध विश्लेषण है किसके द्वारा कहा गया? अगस्त कॉम, सोरोकिन, प्लेटो, एरिस्टोटल।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक व्यक्ति जो संयोगवश नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक है, या तो हमारी अपेक्षा के नीचे है या मानव की तुलना से कहीं अधिक है। ये कथन कहा था यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने, एरिस्टोटल। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आया। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।